बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन 16 से 31 जुलाई तक। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र में लॉकडाउन मजाक बनकर रह गया है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों सहित जिम्मेवार अफसरों की स्थिरता से लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिला प्रशासन का साफ निर्देश है कि बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। वहीं सामान बेचने वाले दुकानदारों को मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन नियम कानून को तार पर रखकर बिना मास्क से सामान खरीदा एवं बेचा जा रहा है। यहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने की जिम्मेवारियों से बचते हुए पुलिस व प्रशासनिक अफसरों ने जैसे खुद को ही क्वारंटाइन कर लिया हो। लॉकडाउन के दौरान आप यहाँ मजिस्ट्रेट में तैनात हैं? हाँ। चिनौली नदी के पास। हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है? परमेंद्र कुमार। यहाँ आप लॉकडाउन का नियम करवा रहे हैं? हाँ। यहाँ पे सुपौल लॉबी बिना मास्क के लोग गाड़ी गुजर रहे हैं, गाड़ी रोका जा रहा है। यहाँ अभी आपने लाइन में लगा आपका कर्मी जो आपका पुलिस कर्मी ने बिना मास्क के बैठे हुए मेरा विजुअल में आ गया। सब लगा रहे हैं सर, है सर मेरा विजुअल, आपका विजुअल मेरे मोबाइल में कैद हो गया, जो कि आप लोग लाइन में बैठे हुए थे, लोग लगातार जा रहे हैं। आप आपका कर्मी या नहीं तो आपका कोई पुलिस वाला उनको नहीं रोक रहा, नहीं टोक रहा, उसका मतलब सर क्या होगा? रोका जा रहा है, आप लोग खुलेआम लॉकडाउन का गज्जिया उड़ाई जा रही है। अभी पानी पी रहे थे सब, उसके बाद तो सब इसी पर है। लॉकडाउन लग गया है, कम से कम जो नियम है नियम का पालन करें। सही चले, मास्क लगा के चले, ज्यादा नाजायज मतलब बिना मतलब का ये कोई सुनना नहीं, यही लोगों को देखना है, यही करना है। सर आज लॉकडाउन नहीं बुझा रहा है, लोग ट्रिपल लॉगिंग जा रहे हैं? नहीं, बहुत लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क तो जनरली मतलब 95% लोग मास्क में चल रहे हैं। मेरा नाम अभय। किस पद से हैं आप? बी ए।